आप ता है बांझना किते मेरिया कुड़िया नु नजर ही ना ला दवे। चलो पुत अंदर चलो, नाले थोनू किन्नी वारी कहा एदे सामने ना खेड्या करो, जे थोनू कुछ हो गया बैठ ते ता तू आए बैठी है जे मैं तेनू ना दिन टप्पे होण। मम्मी मैं तो पहले ही दुख दे सताई हुई आ, तुसी ता ना मेनू आए बोलो। साफे गो तेनू किन्नी बार कहा भी एदे कोल ना आया कर। तेरा भी तो पुत्ता, मैं भी तो ओदी मां। नहीं तू नहीं हैगी ओदी मां, ओदी मां ता सिर्फ मैं आ। तू तो बांजड़ आ बांजड़, ते बांजड़ दी कोई औलाद नहीं हुंदी। मेरा ते ने सिर दुखण लाता। मम्मी मैं थोनू सिर दुखण दी गोली लिया दिनी आ। गोली ने भी मेरे ते कोई असर नहीं करना, जद तक तू आ ना ये ता आई दुखदा रहू। मैं तो बचन दा मारा पखे थल्ले आके बह जांदा ते ऐशो आराम दी जिंदगी बतीत करदा, ते मेरा घर वाला उत्थे बेचारा गर्मी च बैठा कम सांभदा। ओ भाभी दा भरावा भरावा च फर्क पा रही है, ते तू एक मां होके पुत्ता पुत्ता च फर्क पाई जांदी है। मम्मा भुख लगी आ। ओ हजे ता तू चिप्स खा के हटिया, एडी छेती तेनू भुख भी लगी आई। मम्मा चिप्स ता खत्म हो गई, एदे नाल मेरा ढिड नहीं भरिया, तुसी मैनू परौंठा बना के दे दो। मम्मा बना दो ना परौंठा। तू नहीं हटदा मैनू तंग करनो, आए कर तेरी चाची ना रसोई चा जाके उनू कह दे भी चाची परौंठा बना दे, दे दूगी तेनू बना के। ठीक आ मम्मी। मम्मा तो इत्थे है नहीं, आए करदा कमरे च जाके देखदा। मम्मा तुसी इत्थे हो, मैं थोनू किचन च लभदा सी। मैनू लभदा सी मेरा पुत्त? हाँ बोल पुत्त, की काम आ मम्मा तो? मम्मा मैनू भुख लगी आ। भुख लगी आ, की खाना मेरे पुत्त ने? मम्मा तुसी मैनू नून वाला परौंठा बना के दे दो। ले ये भी कोई गल आ, बस तू दो मिनट रुक, मैं हुणे बना के ले आई। मेरे पुत्त नूं भुख लगी आ। मेरा पुत्त देसी घ्यो दा परौंठा खाऊगा। लै मेरा पुत्त परौंठा खा तू। मां तुझे बहुत स्वाद परौंठा बनाया। सच्ची पुत्त, तू होर दस मैनू होर की खाना, मैं तेरे लिए वो भी बना लियानी आ। नहीं मम्मा मैं बस परौंठा ही खाना सी। सैबू पुत मेरे तो हुण याद आया, कुरकरे पए ने, खाने ने तू? कुरकरे? हाँ मम्मी मैं खाने हां। आ जा पुत, फिर तेनू मैं दवा। साहेब पहले परौंठा तो खा लेंदा, ये भी मुंडा ना बाहर लिया चीजा खा के बाला खुश आ। ले पुत्र खा ला। बे मुंडिया की हो गया तेनू? मम्मी, ओ मम्मी। नी की हो गया मुंडे नू? पता नहीं मम्मी, चंगा भला रोटी खा रहा सी, इको दम उल्टी करने लग गया। उल्टी की हो गया पुत्त, तेनू ऐ क्यों उल्टी आ गई? लग गया मम्मी मैनू पता, सारा कुछ ना ऐसे करके होया।
की मतलब दीदी? मम्मी इन्हें ना मेरे पुत्त नूं परौंठा बना के खवाया सी, जरूर ना इन्हें कुछ ना कुछ ओहदे च मिलाया होना, ताही तो मेरा पुत्त बीमार हो गया। दीदी आ की कही जाने तुसी, भला जी मैं क्यों इन्हूं मिला के दूंगी, ए मेरा भी तो पुत्त आ, मैं दी मां आ। नहीं तेरा की पता खबरा केड़े बाबिया दे जानी है तू, पता नहीं की करवा के ले गया उतो, ताही तो मेरा मुंडा बीमार हो गया। नहीं तो ये ना क्यों मत्था मार दी है, तू मुंडे नु डॉक्टर दे लेके जा, किते ज्यादा ना बीमार हो जावे। मम्मी साहिब नु मैं कल्ला नून वाला परौंठा बना के दिता सीगा, जेड़ा इन्हें खा लिया ते जेड़ा पिछे बचे सी ना ओ मैं खादा, मेनू तो कुछ होया नहीं। नहीं तो चुप कर, जे मुंडा ज्यादा बीमार हो गया ना तू आप दे आप नु सोच ली, तू मुंडे नु लेके जा डॉक्टर दे। दीदी मैं चलना थोड़े नाल। नहीं हजे कुछ बाकी रह गया जेड़े नाल जान नु फिर दिया, चल पुत्त तेनु लेके जावा डॉक्टर दे। तू ना मुंडे तो दूर रहा कर, तेनु मैं 3600 बार कहा ओदे कोले ना जाया कर। मम्मी साहिब मेरा भी पुत्ता, मैं ओदी मां ते एक मां अपने पुत्त नाल किवें गलत कर सकदी आ, ए रब्बा मेरे पुत्त नु ना छेती ठीक कर दी। जी है ना कोई बाहरला सामान तो नहीं खादा? नहीं डॉक्टर साहब इन्हें तो बाहरला कुछ भी नहीं खादा, इन्हें तो घर का बनया परौंठा ही खादा सी। मम्मा भूल गए चिप्स ते कुरकुरे भी तो खादे सी। बस जी है सारा कुछ बाहरला खान पीन करके है, इस करके इन्हू उल्टियां लग गई। हूँ पुत बारला कुछ ना खाई जिदे करके तेरा पेट खराब होवे। मैं इनू 2 दिन की दवाई लिख के देना जी, तुसी इनू टाइम सर दे दो फिर ठीक हो जू। हलो जी चल थैंक यू जी। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਬਾਲੀ ਢੀਠ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ मनदीप हुण इहदा ध्यान रखी, इहनू कोई भी उल्टी सीधी चीज ना दे खाण नू। मैं जाना हुण कम ते। चल साहिब आ जा पुत्त अंदर चल कमरे च आराम कर तू। पच्ची सौ दुध वाले नु दिता। शैली तेनू मम्मी का फोन आया सी? नहीं मेनू तो नहीं मम्मी का कोई फोन आया। अपना फोन चेक करी। एक मिनट देख दी ना। 5 मिस कॉल। लो जी मेरा तो फोन ही साइलेंट ते लग्या पिया। वैसे कहंदे की सी मम्मी? मम्मी नू ना एक बहुत वधिया डॉक्टर दी दस पई है, कहंदे बहुत सोहना इलाज करदा ओ, आपां भी दिखाईए ओनू। डॉक्टर दी दस पई आ, पर सच दसां जी मेरा नहीं हुण किते जान नू दिल करदा। ओ कोई नहीं शैली,
मम्मी दे कहे दे ना आप एक बारी डॉक्टर नूं मिल लैने आ, नाले मम्मी दा भी दिल रह जू, फिर मम्मी कहूगी तो नहीं भी मैं दस्या भी सी भी इह उहनूं एक बार मिल भी नहीं गए। चलो ठीक है जी, जिवें तुहानूं ठीक लगता आपां मिल लैने एक बार डॉक्टर नूं। कोई फायदा नहीं डॉक्टर ने पैसे पूसे खराब करन दा, जे होना हुंदा ना हुण नूं कादा जवाक उग जांदा। मम्मी आ की कही जाने हो तुसी, तुसी सानू हौसला दा की देना, तुसी साडा हौसला तोड़ी जाने हो उल्टा। ओ हौसले दी गल तां तू ऐ करदा जिवें मैनूं इहदा पता ही नहीं हुंदा। लोड नहीं किते जाण दी, एवें वाधू दे पैसे खराब करोगे, नाले इहदा इलाज तां मेरे कोले आ जेड़ा तू मंदा नहीं। मम्मी की? मम्मी चुप करके ना दूजा ब्याह करवा ला, नाले तो तू सुखी नाले मैं सुखी। मम्मी यह ख्वाहिश तो ना थोड़ी ख्वाहिश ही रह जानी है, क्योंकि मैं दूजा ब्याह करवाना नहीं, ऐसे हिसाब नाल तुसी ने कदे खुश होना ही नहीं। देख ला कि मैं तीवी ने मगर लग के मां नु बोलदा। मम्मी जे तुसी चाहुंदे हो ना भी मैं ना बोला ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੈਲੀ ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਪੂਰਾ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੱਪੀ ਬੈਠੀ ਆ? ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਚਾਚੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਾਂਡ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਆ ਛੈਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਿਉਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਂਝਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਚਾਚੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਝਣ ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਝਾਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਖਾ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨੂਣ ਛਿੜਕਦੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਐਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਲੈ ਕੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਛੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਚਾਚੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਊਂ। ਠੀਕ ਆ ਚਾਚੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਖ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ।